तो एकपदी युग्मों के बारे में जानने से पहले जानना आवश्यक है कि चर और अचर, चर और अचर, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। जैसे यहां पर ये एकपदी, ये युग्म दिए गए हैं, एकपदी युग्म, एक पद अर्थात एक पद वाले, एक पद यानी एक पद वाले, और जिसको द्विपदी कहेंगे तो दो पद वाले। युग्म यानी जोड़ा, युग्म यानी जोड़ा। तो यहाँ दो है कि नहीं? यस सर। तो ये एक पदी युग्म है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करने के पहले हमको चर और अचर क्या होते हैं इसके बारे में भी जानना आवश्यक है, ठीक है। तो चर किसे कहते हैं? चर का मतलब होता है चलायमान। क्या होता है? चलायमान, यानी जो स्थिर ना हो, जो स्थिर ना हो वो क्या कहलाता है? चलायमान कहलाता है, ठीक। और अचर, अचर का मतलब होता है अचलायमान, अचलाय मान, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? स्थिर। क्या कहेंगे? स्थिर। अब देखिए इसको समझिएगा, इसको समझ लोगे तो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। अब बेटा हमने कहा कि चर का मतलब चलायमान, चलायमान का मतलब जिसके जो स्थिर ना हो, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके मान स्थिर ना हो, अर्थात उनके मान में कोई भी संख्या आ सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? चर। उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, सात पीस दिया गया है। क्या दिया गया है? सात पीस। तो सात तो ये स्थिर मान है, यानी सात यानी सात। यदि हम अंगुलियों की संख्या सात बताएंगे तो पांच और दो सात, ठीक है, सात ही होगा। यानी कोई भी संख्या के बारे में हम कहेंगे तो सात इतना ही होगा कि नहीं होगा? इसको बदला नहीं जा सकता, यानी ये क्या है? स्थिर मान है। क्या है ये? स्थिर मान। किंतु पी, पी का मान स्थिर नहीं है। यदि मान लो एक ऐसा व्यंजक है हमारे पास में, सात पी बराबर चौदह, तब हम यहां पर पी का मान ज्ञात करेंगे। तो पी का मान ज्ञात करने के लिए पी बराबर चौदह बटे सात बराबर दो आ जाएगा। पी का मान यहां पर दो आ जाएगा, पी की जगह पर दो रख सकते हैं। किंतु यदि यहां पर रहे सात पी बराबर अट्ठाईस, तब पी का मान बदल जाएगा। यहां पर हो जाएगा अट्ठाईस बटे सात बराबर रह जाएगा यहां पर चार, पी का मान चार आ गया। तो P एक चर राशि है जिसके स्थान पर कोई भी अंक या संख्या आ सकती है, इसलिए इनको कहते हैं चलायमान यानी चर। और अचर मतलब जो चलायमान नहीं है, जिसका मान स्थिर हो, जैसे सात यानी सात, आठ यानी आठ, है ना? समझ में आ रही बात? तो चर और अचर समझे आप लोग भी? समझे, समझ गए ना? ऐसी राशि या ऐसी संख्या जिसका मान स्थिर ना हो, जिसका मान चलायमान हो, या उसके स्थान पर हम कोई भी संख्या को लिख सके या कोई भी संख्या आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जबकि अचर ऐसी ऐसे मान या वह राशि जिसका मान स्थिर हो, जिनका मान ना बदला जा सके। जैसे यहां पर सात, सात का मान बदल लेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। अब बात करते हैं यहां पर गुणनफल की। तो गुणनफल में क्या आएगा बच्चों? यहां पर देखिएगा, यहां पर चार गुणे सात पी ये दिया हुआ है। आप यहां पर चाहें तो गुणा कैसे लगाना, ठीक ना लगाएं तो भी इसका इसमें गुणा माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है अचर मान, तो अचर का अचर में गुणा हो जाएगा, ठीक है। और चर के मान को चौका तो लिख देंगे,
इसको चार सात अट्ठाईस और यहां आ जाएगा पी। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। गणित को हल करने के लिए आवश्यक है कि हमें जो छोटी छोटी बातें होती हैं गणित की, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा मैं आपको बताया कि चर और अचर क्या है ना, एक पदी है ना, एक पद वाली संख्या क्या होती है ना, युग्म क्या होता है, इसके बारे में इनका पता होना चाहिए। ठीक है।